पूछा कि बरल वो फरिश्ते मलाइका आए और उन्होंने बोला कि लिखो लिखो। उन्होंने कहां से लिखो, कलम तो नहीं है? कहा तुम्हारी उंगली तुम्हारा कलम बन जाएगी, कलम लिखो। कहा दवात कहां से लो, मरकब कहां जबान लगाओ। लिखना शुरू किया, अच्छा बुरा जो रुक नहीं पाया कलम, आपका कलम खुद लिखेगा तुमने जिंदगी में क्या किया, अच्छा किया, खुद लिखेगा, असल आपके इख्तियार में नहीं है। कहा लिखेगा लिखेगा, उसके बाद दो टुकड़े गर्दन में टांग दिया। कहा ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के पहाड़ मेरी गर्दन में लटक गए। कहां फरार करेगा, कहां जाएगा उस दिन आदमी? उस दिन के लिए रसूल खुदा फरमा रहे हैं जहां सब चीज आया होगी, हर चीज खुली भी होगी, कोई चीज पोशीदा नहीं होगी। यहां मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, खुशबू लगा लूं, आपको पता नहीं है मैं अंदर से कैसा हूं, आपको क्या पता। लेकिन उस दिन सब आया होगा, सब खुला होगा, कुछ छुप नहीं पाएगा। उस दिन के लिए रसूल खुदा ने फरमाया, परवरदिगार मेरी उम्मत का जब हिसाब करना, सिर्फ मुझे दिखाना, बस बस। यानी रसूल चाहते ही नहीं कि दूसरी उम्मतें देखें कि मेरी उम्मत क्या अमल करती थी। उधर से परवरदिगार ने अपने महबूब से कहा, मेरे महबूब मैं तुमसे ज्यादा अपनी मखलूक के लिए मेहरबान हूं। यकीनन रसूल खुदा मेहरबान है। कहा मैं तुमसे ज्यादा अपनी मखलूक पर मेहरबान हूं, मैं जब इनका हिसाब करूंगा तो मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगा। खुदा कहां, इस खुदा से बात करने का दिल नहीं चाहता आपका? नहीं चाहता। मैं अपने आप से कह रहा हूं, जानो कितना हम लोग बातें करते हैं दूसरे से, कितना हम लोगों से बातें करते हैं, कितना हम नामहरम से बातें करते हैं। ये सोशल मीडिया बर्बाद कर दिया इसने, और वो खालिक बंदे का इंतजार करता है ये कब मुझसे बातें करेगा। हो बात करे इंसान खुदा की तरफ पड़े। अज़ीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार ने उस दिन जब सब आया होगी, रिवायत है रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आए, देखा कि बीवी परेशान है। कहा फातिमा आप क्यों परेशान हैं? कहा बाबा मुझे कयामत का मंजर परेशान किए हुए। कहा आपको कैसी परेशानी? कहा बाबा उस दिन सारी चीजें जाहिर होंगी, सारी चीजें आया होंगी। ऐसे में हज़रत जिब्राइल कहते हैं नाज़िल, रसूल खुदा की खिदमत में सलाम किया। कहा हमारा खुदा ने सैयदा को सलाम भिजवाया है और उनसे कहे कि परेशान ना हो, हम इनके चाहने वाले को कयामत वाले दिन नूर में रखेंगे, नूर में रखें। लेकिन हो इनको मानने वाला, मानने वाला। कहना आसान है, मानना मुश्किल। जबान से कहें हम मानते हैं, अमल मुखालिफ, झूठ कैसे करेगा? जाना मोहतरम बस यही है, वली उस जमान, जो लोग पहचान गए वो कुर्बान हो गए, जो नहीं पहचाने वो घूमते रहे। आज जिस दौर में हम जिंदा हैं, ये दौर बहुत पेचीदा है। अब जंग जो है वो एक जंग नहीं है कि मतलब दुश्मन आए और आपके शहर पे मुल्क पे हमला कर दे। अब जंग जो है वो मुरक्कब है, यानी बहुत सारी जहत से जंग लड़ी जा रही है, यानी सारी टेक्निक सारी स्ट्रेटजीज काम एक ही साथ। पहले जंग लड़ती थी मुल्क आया इधर मारा उधर मारा, इधर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 ऐसी हुई, कौम आई ठक ठक मारा। अब ऐसा नहीं है, अब एक ही टाइम पर सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं।
मैंने सामने से भी मार रहे हैं, यूक्रेन की वॉर सामने, सिर्फ वॉर नहीं है, प्रोपोगंडा वॉर भी है, मीडिया वॉर भी है, साइबर वॉर भी है, डेटा वॉर भी है, इंटेलिजेंस, सारी जंग एक साथ जुड़ी हुई है। यानी जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो क्या दिखाया उसने, रशिया जुल्म कर रहा है, रशिया ने ये कर दिया, रशिया ने वो कर दिया। तो इधर जो जमन में इतने अरसे तुम मारते रहो, ये नहीं दिखाया तुमने कभी, ये जंग नहीं दिखाई कि यहां जुल्म हो रहा है, वहां क्यों दिखा रहे हो? खूब, क्योंकि मीडिया वॉर है, सारी स्ट्रेटजीज हाथ में उनके, जंग को इस तरह दिखाया। अब एक मसला ये है कि ये हमारे टीवी चैनलों में भी लाइव जा रहा है, कल से मैं मजलिस पढ़ना बंद हो जाएगा मेरे ऊपर, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।